हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा। और मेरा नाम है मनीषा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरा बेबी यश पैदा हुआ था तो उस टाइम जो है उसका कलर जो है बहुत ही साफ था, फेयर कलर था। उसकी जो है उसके जन्म की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आप देख सकते हैं उस टाइम उसका कलर कैसा था। लेकिन उसके जन्म के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद जो है उसका कलर, स्किन कलर जो है डल होना शुरू हो गया, डार्क होना शुरू हो गया। उसका स्किन कलर इतना जो है डार्क होने लग गया कि उसका स्किन कलर मुझसे या अपने पापा से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जनरली जब बेबी पैदा होता है उसका कलर कुछ और होता है, उसके कुछ टाइम पीरियड बाद उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि बेबी जो है बाहर के इन्वायरमेंट में जाना शुरू कर देता है, सनलाइट उस पर पड़ती है, डस्ट पड़ती है, जिसकी वजह से उसका स्किन कलर जो है चेंज होने लग जाता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका बेबी अगर डार्क कलर का है या फिर उसका व्हाइटिश कलर है तो उसका कलर अच्छा नहीं है और वाइट कलर ही अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके कलर, बेबी का कलर है, सब अच्छा है, बेबी हर कलर में प्यारा है। मगर टेंशन वाली बात एक मदर को तब हो जाती है कि भाई मेरा बेबी जन्म के समय तो इस कलर का नहीं था, अब उसका कलर डार्क कैसे हो रहा है। एक जो है टेंशन वाली बात हो जाती है जब बेबी फेयर से डार्क कॉम्प्लेक्शन में चेंज होने लग जाता है। जब आपका बेबी जन्म के समय गोरा था और अब उसका कलर चेंज होके डार्क होने लग गया, तो उसके लिए एक मदर ही जिम्मेदार होती है। क्योंकि जब बेबी बाहर के एनवायरनमेंट में जाता है उस टाइम जो है उसको एक्स्ट्रा स्किन केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप उसकी स्किन केयर नहीं करेंगे तो बेबी वही डार्क कॉम्प्लेक्शन पकड़े रखेगा आगे आने वाले समय में भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी दोबारा जैसे जन्म के टाइम उसका स्किन कलर था वैसा होना शुरू हो जाए, तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी। मैं अपने बेबी की स्किन रूटीन में कुछ चीज़ें फॉलो करती हूँ, जिसमें से आज मैं आपको एक स्किन रूटीन बताने वाली हूँ उसका, जिससे जो है उसके कलर में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज देखने को मिला। ये चीज आप किसी भी उम्र के बच्चे के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है आपने कच्चा दूध लेना है। मेरा बच्चा 6 महीने का है और छोटा सा है, उसका फेस है, उसके लिए मैं 3 चम्मच कच्चा दूध ले रही हूँ। आप अपनी बेबी की उम्र और फेस के अकॉर्डिंग जितना चाहे दूध ले सकते हैं, पर दूध कच्चा होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है इसमें कोकोनट ऑयल, जो प्योर कोकोनट ऑयल है, वो मिलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लूंगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा डल गया है मुझसे, क्योंकि गर्मियों का दिन है तो आपको इससे भी कम कोकोनट ऑयल लेना है। बेसिकली यहाँ पे हमारा मकसद है बच्चे की स्किन में ये पूरा का पूरा कच्चा दूध रचवाना, और वो कच्चा दूध जो है बेबी की स्किन में हल्के से थोड़े से जो है कोकोनट ऑयल की मदद से ही पूरी तरह से रचेगा। अगर आप सिंपली दूध कच्चा लगाएंगे तो वो बेबी की स्किन के ऊपर ऊपर रह जाएगा, वो अंदर तक नहीं रचेगा। अब यहाँ पे जो आपने दूध और तेल का मिक्सचर बनाया है उसको जो है मैंने पानी थोड़ा गर्म किया था, हल्का सा गर्म, उसमें इस तरह कटोरी को रख दे ताकि दूध जो है हल्का सा गर्म हो जाए, हल्का सा गुनगुना गर्म हो, ज़्यादा नहीं, बच्चे की स्किन के अकॉर्डिंग ही, ताकि ऑयल के तत्व जो है दूध में इन्फ्यूज़ हो सके। तो जब तक कच्चा दूध और तेल हल्का सा गुनगुना हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि लॉकडाउन की वजह से मेरे पास जो है वर्जिन ऑयल ख़त्म हो गया है, अदरवाइज मैं कोकोनट वर्जिन ऑयल ही इस्तेमाल करती थी, क्योंकि एक्चुअल में वो जेन्युइन ऑयल होता है। और अगर आप दूसरा कोई कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं वो स्पेशली हेयर के लिए डिज़ाइन किया जाता है, हेयर के लिए बनाया जाता है। उसमें कुछ कोकोनट के अलावा कुछ और भी चीज़ें डाली जाती हैं जो कि बेबी की स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए आपको प्योर कोकोनट ऑयल ही लेना है। कोकोनट वर्जिन ऑयल के बाद सेकंड ऑप्शन मेरे पास पैराशूट ऑयल ही बचती है, इसलिए मैं ये लेती हूँ। आपको किसी भी तरह का कोकोनट हेयर ऑयल बच्चे के स्किन पे यूज़ नहीं करना, आपको प्योर कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे दूध जो है हल्का सा वॉर्म हो गया है, अब आपने सिर्फ उतना सा ही इसको हल्का सा गुनगुना गर्म करना है जितना बेबी की स्किन जो है बेयर कर सके, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये हो चुका है। अब बेबी की स्किन पे आपको इसको लगाना किस तरह से है मैं वो बताती हूँ आपको। मैं जो है यश को इस तरह से गोद में लेके फिंगर टिप की मदद से जो है ये पूरा जितना भी मैंने दूध लिया है वो सारा इसकी स्किन पे ऑब्जर्व करवाती हूँ। आपको बेबी के फेस पे इसको जो है ऊपर की तरफ लगाना है। अब जो है आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोजअप लेके दिखाती हूँ। सबसे पहले फोरहेड पे आपने फिंगर टिप्स पे इस तरह से थोड़ा सा दूध लेके इस तरह से बाहर की तरफ फोरहेड पे लगाना है, और थंब से इस तरह ऊपर की तरफ माथे पर हाथ फेरना है।
सो आप देख सकते हैं ये स्टेप क्लियरली। अब बारी आती है गालों की। गालों पे भी आपने ऊपर की तरफ ही मालिश करनी है, इस तरह से थंब के जरिए भी आप कर सकते हैं स्टेप, और या फिर इस तरह से राउंड राउंड ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। ये दोनों गालों पे जिस तरह से मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ, आपने बहुत ही डेलिकेटली सॉफ्टली बेबी के फेस पे मालिश करनी है इस तरीके से, किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी बेबी के साथ। अब गम्स पे, चिन पे, नोज पर इस तरह से आप मालिश करिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। सो इसी तरीके से जो है आपने जितना भी दूध निकाला है बेबी के लिए कटोरी में, वो सारा इसी तरीके से बेबी के फेस में कंप्लीटली रचवाना है। सो फिर से यहाँ कह रही हूँ, दूध की मात्रा ज़्यादा हो तेल की कम, 3-4 चम्मच दूध में 4-5 ड्रॉप्स तेल के काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये फेस मसाज करने के 10-15 मिनट बाद बच्चे को नहला दें। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जितना दूध लिया था वो सारा बेबी की स्किन में रचा दिया। आप देख सकते हैं कैसे इसकी स्किन पे अब थोड़ा सा भी दूध या तेल आपको नहीं दिख रहा, ये कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लिया है स्किन ने बेबी की। सो दैट्स इट, आपको इसी तरह से बेबी के फेस की जो है मसाज करनी है, ताकि जो है दूध जो है बेबी की स्किन में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो सके। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि दूध आपने ज़्यादा लेना है और कोकोनट ऑयल कम। यहाँ पे दूध को जो है हमें अपने बच्चे के स्किन में ऑब्जर्व कराना है, ऑयल को ज़्यादा नहीं यूज़ करना।